ये पंच बीजाक्षरों को पंच परमिष्ठी के रूप में पूज्यवर शुभचंद्राचार्य महाराज ने ज्ञान रावणों में लिया है। कार्तिकेय परीक्षा में टीकाकार ने इन शब्दों का उल्लेख किया है। तो ये पांच बीजाक्षर पंच परमिष्ठी, पहला जो ह्रीम लगा है वो सामान्य है, ओम ह्रीम ओम, उसको साइलेंट कर देना। पर जो बीजाक्षर ओम ह्रीम अरहंत भगवान के ह्राम और आसिद्ध भगवान का ह्रीम और आचार्य परमिष्ठी का रूम, उपाध्याय परमिष्ठी का ह्रोम और साधु परमिष्ठी का ह्रा बीजाक्षर हैं, ये आगम सम्मत हैं। इनकी तात्कालिक एनर्जी है। इनका एक बहुत बड़ा शोध है, संक्षेप में बता देता हूँ कि ये जो नेचर हैं इनके साथ हा अक्षर के साथ रा मिला है। रा के साथ जब आ की संधि होती है बड़े आ की, तब वह लक्ष्मीदायक हो जाता है। आ अकेला लक्ष्मीदायक नहीं है, बड़ा आ जब मिलता है तो लक्ष्मी का स्वरूप बन जाता है, वैभव का स्वरूप बनता है, विघ्नों का निवारक बनता है। और ऐसे ह्रीम जब बीजाक्षर आता है, ई शब्द हा और रा के साथ मिलता है, तो ई जो बीजाक्षर है यह हमारे लिए वज्रमय बनाता है। किसी भी दुनिया में कुछ भी हो जाए उसका कुछ भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ह्रीम वज्रमय आकार काले कल्प सत्य पिछा गति सिवा नाम न छविक्रियल। ह्रूम जो बीजाक्षर है यही हा और रा, ऊ बीजाक्षर नहीं, ऊ जब लग जाता है तो ऊ का स्थान मूल रूप से अपने आप में कर्ण स्थान होता है। कर्ण स्थान आ का ललाट होता है, ई का नेत्र, का कर्ण स्थान होता है। और कर्ण स्थान से जब वो हा के साथ बैठता है तो वह अपने आप सुपर कल्याणी हो जाता है। आचार्य परमेश्वर अप्पा परम चुंजई सो आई रिय नमो तस्य, ऐसा द्रव संग्रह में आया है। और उपाध्याय परमेश्वर का हरोम बीजाक्षर औम, औ जो है वह अपने आप में ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान की आराधना का प्रतीक है। हेरा बीजाक्षर जो है संकट को न हटाता है न संकट को दूर करता है, सहिष्णु बनाता है। इतना सहिष्णु बना देगा कि कुछ भी परिस्थिति हो जाए संकट आता रहेगा, वो जलता रहेगा लेकिन हो जाएगा, वो अपने आप में शांत रहेगा। ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो पांचों परमिष्ठी के पांच कलर हैं हमारे यहाँ। अरहंत परमिष्ठी का शुक्ल कलर है और शुक्ल कलर होने से हेराम बीजाक्षर जो है शुक्र और चंद्र का स्वामी हो जाता है, शुक्र और चंद्र का मालिक हो जाता है। तो शुक्र और चंद्र की जब महादशा होती है उस समय हेराम और नवोरिहंताणम शब्द उस शुक्र महादशा के विनाश को शांत कर देता है। उसका करने ह्रीम बीजाक्षर सिद्ध परमिष्ठी का प्रतीक होता है जिसका कलर लाल होता है, और लाल कलर होने से सूर्य और मंगल इन दो की शांति, जैसे किसी को मांगलिक होता है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मांगलिक होता है माने मूंगा चाहिए आपको, लाल कुछ नहीं चाहिए, फोकट के भगवान है सिद्ध भगवान, नमो सिद्धानम करो और मंगल की दशा को ठीक करो। डायमंड पढ़ोगे नमोगे, अब डायमंड लाओ कोई नकली कांच पकड़ा दे और आप अधिका जाने दो, काय को चक्कर में पड़ते हो। अपने ललाट के ऊपर शुक्ल कलर में नमो अरिहंताणम बोलो और नमो अरिहंताणम के साथ ओम राम नमो अरिहंताणम, ओम राम नमो अरिहंताणम, क्या डायमंड काम करेगा, डायमंड का बाप है। कहाँ चलाओगे डायमंड, ओम राम नमो अरिहंताणम, कैसे भी चंद्र की दशा और शुक्र की दशा महादशा हो अपने आप शांति मिलेगी। आचार्य परमिष्ठी का कौन सा बीजाक्षर था, हुरूम, इनका कलर है पीला, येलो कलर है, येलो कलर होता है एक पुखराज आता है, पुखराज पुखराज भी नीलम होता है, और वो पुखराज भी को बहुत महंगा होता है, कुछ नहीं करना अपने आचार्य से बिल्कुल फोकट में है फ्री में। ओम हुरूम नमो आईरियाणम, और वैसे अपने आचार्य से वैसे ही थोड़े से गोरे चट्टे हैं, येलो कलर के हैं। ध्यान करो ना, कहाँ किसकी दशा, गुरु की महादशा चल रही है साहब, हम क्या करें, गुरु की महादशा कुछ नहीं करना। तो चौथा नंबर उपाध्याय परमिष्ठी, हृदय में स्थान होता है इनका, हरा कलर होता है, पन्ना के चक्कर में बहुत महंगा आता है पन्ना, और बिल्कुल फोकट में ओम रोम नमो वज्जायाणम, बुद्ध की महादशा चल रही है।
बुद्धि की महान दशा चलती थी, व्यापार ठप हो गया, सब कुछ ठप हो गया, कुछ नहीं, ओम रूम नमो वज्रायण, और अंत में कौन बचे, अब फोकट में बैठे ही हूँ सामने, और क्या फोकट में, कुछ नहीं करना है। नाभि के अंदर नील कलर, साधु का कलर नीला होता है, नील वसन पर रंग उछरना क्या, नील वसन के ऊपर कैसे ही रंग डालो वो कभी दिखते नहीं है, कैसा भी रंग डालते जाओ, काला पीला सब डालना हो, नील वसन पर रंग उछरना क्या, नील वसन पर कोई भी रंग के निशान नहीं दिखते, कितने काला भी डाल दो तो पीला भी डालो तो नीले कपड़े पर कोई रंग का दाग दिखता ही नहीं है। साधु परमेष्टि नीले कलर के होते हैं, और नीलम इनका तुम पहनते हो, नीलम बहुत खतरनाक होता है, नीलम ऐसा होता है कि न्यारे बारे कर दे एक हफ्ते के अंदर, एक खूनी नीलम होता है। इन सब नीलमों के चक्कर में पड़ने क्यों, कुछ नहीं है, बस सामान्य रूप से साधु परमेष्टि को नीला कलर लाओ, ओम ह्रा नमो लोहे सब्य सावणम, सारे ग्रहों की शांति नमोकार मंत्र में। मैंने इसको देखा, बहुत मैंने ध्यान किया, इसका शोध किया कि इसको महामंत्र क्यों कहते हैं। पहला ये महामंत्र है जिनमें संपूर्ण ग्रहों को एक साथ पंच परमिष्टि में स्थापित किया, और उसी के लिए वो बीजाक्षर लाए गए, इन्हीं के कारण से उनको बीजाक्षरों का संबंध जोड़ा गया। अब तुम घोड़े की नाल लाओ, काले घोड़े की, अब शनि देवता को अब देखो तेल चढ़ाने जाओ, यहाँ ना तेल चढ़ाना है ना कुछ करना है, सर्व शक्तियाँ अपने अंदर हैं, अपन शोध नहीं कर रहे, अपन ध्यान नहीं कर रहे, अपन खोज नहीं रहे। मैं तो कहता हूँ जो जैन दर्शन में है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और जो यहाँ नहीं है वो भी कहीं नहीं है। लेकिन बस यही है कि हर चीज़ के लिए साधना चाहिए, हर चीज़ के लिए खोज चाहिए, दुनिया भर की फितूरियों में दिमाग मत उलझाओ, अपने पास बहुत काम है, बहुत है, जितना खोजो जैन धर्म में भरा पड़ा है। इसलिए ये बीजाक्षर बहुत प्राचीन हैं, अच्छे हैं, आज तुमने बहुत बड़ा रहस्य खुलवा लिया है।